एक बार फिर से आएंगे और उनके सामने है कर्नाटका बुलडोजर्स, रह चुके हैं चैंपियन और एक बार फिर से शुरुआत करने चाहते हैं अपने कैंपेन की एक जीत के साथ। मुंबई हीरोज ने पहले मैच में जीत दर्ज की थी। It's toss time, ladies and gentlemen, and the two teams facing off against each other. Well, the Mumbai Heroes, they got off to a winning start in CCL season 10. Give it a flip. What's the call? Heads is the call. But it's tails, which means that it's Ritesh who's won the toss. What will you do here today? We'll field first. Bowl. और वो मूवमेंट है अपील करते हुए, लेकिन क्योंकि ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए आए हैं तो जरूर पिच यहां पे विकेट हो सकती है, विकेट हो सकती है। कैच छूट गया, ये मुश्किल होता। चार मिलेंगे, भाग्यशाली चार रन प्रदीप के नाम, 22 बिना किसी नुकसान के कर्नाटका बुलडोजर्स। उतने लंबे शॉट्स भी लगेंगे लेकिन यहां पे क्या विकेट मिलेगी? जी हां, शानदार कैच है ये। ओवर द टॉप खेला है, चार मिल जाएंगे, चार ओवर समाप्त, 33 पर 1। और अब जो स्लो बॉलर्स है और ये मार दिया है हवा में, एक और चांस, अनदर ब्रिलियंट कैच, बहुत अच्छा जज किया है निशांत अगेन भैया। और ये कट हुआ और आउट, व्हाट अ कैच बाय साकिब, व्हाट अ कैच। अब फिर से कवर्स पिच पे लाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी तेज हो गई है और इस पिच पे ज्यादा असर ना हो जाए पानी का, इसलिए इसे कवर करना बेहतर है। शॉर्ट बॉल हिट इन द एयर, देयर इज अ चांस टू टेक इट एंड अनदर विकेट, मुंबई ऑल ओवर, मुंबई हीरोज ऑल ओवर दिस प्लेस। कंटिन्यूअसली विकेट लेते हुए फिर से और स्टंप पे बोल्ड हुई, शुरुआत लेट हुई बारिश के कारण, फिर बीच में गेम रुका। और ये देखिए बैटिंग कार्ड की बात कर ले तो सिर्फ 3 खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में पहुंचे हैं। ड्राइव्स इट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइव, टॉप शॉट, ये मौका है, मुश्किल था, मुश्किल मौका था, फिर से मार दिया है, पूरे पूरे छक्के, लंबा फुलर बॉल और फ्लिक्टेड टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, व्हाट अ शॉट फ्रॉम साकिब। रन्स मिलेंगे यहां पे, फाइन लेग का खिलाड़ी ऊपर था 30 गज के दायरे में। Yeah, of course it's a lethal combination to have actors play cricket in India and of course you have that kind of viewership. Oh, we've got a catch there. Let's go and see what's the action like there on the ground. Catch छोड़ दिया समीर ने, फिर से जोर से मारने की कोशिश में, डायरेक्शन की जगह पकड़ा मैच का उन्होंने। ओह, ये लगा शॉट और ये इसमें काफी दम नहीं है तो आखिरकार समीर की पारी समाप्त हुई। 18 गेंदों में 16 रन बनाए उन्होंने और लग रहा था कि थक गए, शॉट जा नहीं रहा पर अच्छा शॉट ये कनेक्ट हुआ, सबसे लंबी बाउंड्री चूज की उन्होंने और कैच पकड़ा, कोई गलती नहीं की बाउंड्री गार्डर्स ने। ओ, सबको मिस करते हुए ये बॉल, 4/22, ये तो कमाल कर दिया, क्या वेल लेफ्ट किए शबीर ने, बिल्कुल बॉल पड़ के अंदर आया और किशा सुदीप अभी अभी विकेट कीपिंग करने आए, थोड़ा सा बोल्ड। सुनील की शानदार गेंद और इस बार पूरी तरह से मिस करते हुए इस मौके पर शबीर, जरूरी विकेट, एक ही रन की लीड है और आखिरी ओवर से एक बॉल पहले यहां पर ये विकेट आते हुए ललचाया और कोई भी कनेक्शन नहीं, जाना होगा शबीर को 11 के स्कोर पर। तीसरा विकेट मुंबई हीरोज का गिरता हुआ इस मौके पर, लीड 1 रन की, 71/3, 9 ओवर्स की समाप्ति पर।
लेकिन यहां से ये सफर आगे बढ़ने वाला है दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर में, जहां पर चेन्नई राइनोज और भोजपुरी दबंग करेंगे शुरुआत 1 मार्च शुक्रवार को, और अपने घर पर तेलुगु वॉरियर्स सामना करेंगे पंजाब द शेर। लेकिन संडे के उस दूसरे मैच पर सबका ध्यान होने वाला है, चेन्नई राइनोज बनाम कर्नाटका बुलडोजर्स, साउथ इंडिया डार्बी। एक बैटल हमेशा तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में स्पोर्ट्स में देखा जाता है, और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो शाम को 6:30 बजे आप, वैसे मुझे पता है कि आप शुक्रवार से ही ट्यून्ड रहेंगे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के लिए। आखिरी बॉल और एक डॉट बॉल के साथ यहां पर समाप्त करते हुए इनिंग्स को, कमाल का ये आखिरी ओवर, सिर्फ 5 रन गए और मुंबई हीरोज की लीड मात्र 6 रन की। कर्नाटका बुलडोजर्स को लगता है कि उन्होंने जबरदस्त काम किया है और मोमेंटम पूरी तरह से उनके पक्ष में है। स्वीपर कवर और लॉन्ग ऑफ, दो बाउंड्री राइडर्स जो अलाउड है, पीछे लिए है, और देखिए कैरी, देखिए उस पहली गेंद पे, देखिए जब हाई आर्म से ना, देखो लंबे ऊंचे कद के हैं और एक्शन बहुत बढ़िया इनका, हवाई कार्रवाई और 4 रन मिलते हुए। राजीव ने पहली बाउंड्री लगाई है सेकंड इनिंग्स की, और अब स्कोर्स बराबर हैं। याद रखिए 6 रनों की लीड थी मुंबई हीरोज के पास, कर्नाटका बुलडोजर्स ने अब 6 रन स्कोरबोर्ड पर डाल के बराबरी कर ली है स्कोर्स की। ओ गया था, चांस था पर दूर गया शॉर्ट थर्ड मैन से, 4 रन मिल जाएंगे, हल्का सा गैप दिया, और यही मुसीबत है अगर आप पिच में हल्का सा भटके और आपकी लाइन भटकी तो ये। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया कैच पकड़ लिया, क्या बात है, जबरदस्त कैच पकड़ा यहां पे। देखिए कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर जब आप 3D बोलेंगे ना तो चुभन काफी महसूस करेंगे। आप माटी रेडू की बात कर रहे हैं क्या? लंबी स्टोरी है, 2019 वर्ल्ड कप की, विजय शंकर खेले थे याद रखिए, गए थे भारतीय टीम के साथ। बढ़िया शॉट, कमाल का शॉट, गैप पे खेला हुआ शॉट, 4 रन दिलाता हुआ ये शॉट, चॉप्स इट टॉप एज ओवर द कीपर, व्हेन इट्स गोइंग योर वे इट गोज योर वे। आखिरी बॉल शबीर केस ओवर की, एक बार फिर से पहला रन तेजी से भागते हुए और दूसरा रन आसानी से मिल जाएगा, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच, 16 रन आए इस ओवर से, 9 ओवर्स में 115 पर 2 कर्नाटका बुलडोजर्स। आखिरी बॉल इस इनिंग की, ओ इस बार जो रिजल्ट चाहते थे वो नहीं मिलेगा, लेकिन जरूर दूसरे रन के लिए आएंगे, फील्डर पर दबाव, रन आउट यहां पर, एक आसान रन आउट लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। कमाल की इनिंग इसके साथ साथ कर्नाटका बुलडोजर्स की, 124 रन का विशाल टारगेट सेट किया है उन्होंने मुंबई हीरोज के लिए, 124 रन का टारगेट कर्नाटका बुलडोजर्स का ये बैटिंग कार्ड। राजीव 13 बॉल्स पर 19 रन बनाकर आउट हुए, राजा के बने हुए शिकार चंदन 2 बॉल्स पर 2 रन, लेकिन 18 बॉल्स पे 55 रन की पारी खेली कृष्णा ने। मुश्किल है ये टास्क लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं, अगर एक टीम कोई काम कर सकती है तो दूसरी टीम भी वो काम कर सकती है, यही संदेश होगा। पहली बॉल और आउट, राजा बेरवानी यहां पर एक शॉट खेलना चाहते थे, सीधे किच्चा सुदीप के हाथों में ये बॉल, सुदील के नाम ये विकेट, मुंबई हीरोज को मिला बड़ा झटका एक बड़े टास्क के पीछा करते हुए। और क्या शानदार गेंद थी, देखिए पढ़ के बिल्कुल होल्ड करती हुई लाइन, और क्या बढ़िया कैच, ऐसे जेन्युइन विकेट। अब मुझे लगता है कि अब ये दौर जो है ये समय कर्नाटका की तरफ ही चल रहा है, पहली गेंद में विकेट, इससे बेहतर अब क्या कर सकते हैं। गोल्डन डक बनाया भेरवानी ने, अब बिना किसी स्कोर के 1 विकेट डाउन है मुंबई, अब निराश लग रही है। ओ क्लीन बॉल, फिर से वही बॉल अंदर आया, और आप जब हॉरिजॉन्टल बैट से नहीं खेलते हैं तो फिर आपको ये मुसीबत मोल लेनी पड़ती है, सीधे बल्ले से खेले तो बहुत पूरा बैट का फेस जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है, और ये देखिए कहां से पढ़ के कितनी बार से अंदर आया बॉल, कम से कम 1.5 फुट की डिविएशन है, लाजवाब गेंदबाजी, 2 विकेट गिर गए पहले ओवर में जी, और सुनील ने कमाल कर दिया, एक तरफा कर दिया मैच, शरद केलकर ने भी डक बनाया, और अब 1 पे 2 विकेट आउट। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की ये टीम, ये जबरदस्त टीम जिनकी वजह से इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। बड़ी अपील,
क्लियर आउट लगता हुआ यहां पर, और बिल्कुल अंपायर की उंगली गई ऊपर। साकिब सलीम को भी जाना होगा अब पवेलियन की ओर, रिव्यू की मांग की है यहां पर, लगता है रिव्यू वेस्ट हो जाएगा अतुल जी। और तीन चार बार मांगा रिव्यू उन्होंने और सभी गेंदबाज को, और ये लगा पहला, बहुत देर बाद एक शॉट लगा है, तो लगता है कि ऊपर आया बॉल, तो आखिरकार नवदीप का कनेक्शन हुआ। और ये देखिए खुशी, ये मैं देखना चाह रहा था, ये थोड़ी सी जो जॉय है ना, ये मजा दे देती है इस मैच का। जानते हैं कि मैच जीतना संभव सा हो चला है, पर फिर भी एक शॉट से देखिए कितना उत्साह जो है और बच्चों में और सपोर्टर्स में आ गया, मोमेंटम की अदला बदली कर सकता है। अच्छा शॉट एक बार फिर से गैप में फील्डर्स को भेजते हुए, चार रन अब चल रहा है नवदीप तोमर का बल्ला। देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो है ना, एक लंबा जो है वो थोड़ा सा रुक जाए, और ये देखिए मुंबई के खेमे में पार्टी शुरू हो गई है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बैक टू यू गाइस बिकॉज़ दीस गाइस आर गोना जस्ट टेक द माइक एंड रन अवे। वेल यू हैंडेड ओवर जस्ट एट द राइट टाइम बिकॉज़ अनदर विकेट्स गॉन डाउन, और यहां पे एक और सफलता कर्नाटका बुलडोजर्स की गेंदबाजों को, मार दिया है सीधे, अच्छा शॉट, और ये बड़ा अच्छा फुटवर्क दिखाया इन्होंने, रूम अपने आप देख के मार दिया है, और ये छक्का सीधे मुंबई हीरोज के डगआउट में। पर ये जरूर है कि फासला कम कर दीजिए, हार का कैच छूटा, चार रन भी मिले, जले पे नमक थोड़ा सा छिड़का गया यहाँ पे गेंदबाज के लिए। चंदन सोच रहे थे विकेट मिलेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 76 पर 7 9 ओवर्स के बाद। ये देखिए पहुंच तो गए थे और निराश होंगे, और मुंबई हीरोज के डग आउट तभी विचेत करते हुए, स्लैश कर दिया है पॉइंट के ऊपर से, और ये मिसफील्ड, और ये चार रन। थोड़ी सी जीत की सेलिब्रेशन जल्दी शुरू हो गई कर्नाटका बुलडोजर्स के खेमे में, और छोटे छोटे एरर्स अब दिखते हुए यहाँ पे फील्डिंग के अंदर। पिछले ओवर में कैच छूटा, चौका गया, और यहाँ पे ऐसा लगा स्पिन को रीड नहीं कर पाए, वो यहाँ पे चार रन मिल जाएंगे, भाग्यशाली चार रन है। इनोवेशन के लिए दांत देना पड़ेगा, रन्स जो भी बन रहे हैं ना उसको पूरी तरह से एंजॉय करते हुए वहां पे। आखिरी गेंद है, डॉट बॉल नहीं होगी, रन आउट मिलेगा, डॉट बॉल भी होगी और रन आउट भी मिलेगा। पहले ऐसा लग रहा था सिंगल स्टील कर लेंगे पर ऐसा हुआ नहीं, 22 के रूप में रन लेने गए लेकिन रन आउट हुए वहां पे। और ये देखिए बहुत सारा प्यार सब जगह से डार्लिंग कृष्णा को जा रहा है फॉर हिज सेल्फलेस नॉक, गेम चेंजिंग नॉक दैट वाज एंड गेम चेंजिंग पार्टनरशिप दैट वाज। ये देखिए हडल, लुक एट दैट द मोस्ट इंटेंस टीम इन CCL एंड दे आर सेलिब्रेटिंग राइट ऑन द सेंटर ऑफ द विकेट, लुक एट दैट, टॉप स्टाफ एंड हियर इज द मुंबई हीरो समरी। Not much to tell. Saqib 20 with 27 runs and yeah, Nishan ne banaye 23 runs jo ke second highest scorer rahe innings mein, par 85 hi bana paye Mumbai Heroes ki team. Aur bowling ki baat kare to do wicket Manjunath aur Sunil ke naam, ek ek wicket Pratap aur Pradeep ne nikale. पर चलिए नजर डालते हैं 8-3 बादशाह ऑफ द मैच पे।